Yeah.
का सुसमाचार, लूक का सुसमाचार, 10वां अध्याय 23 से 24 तक, सेंट लूक चैप्टर 10 23 टू 24, एंड ही टर्न्ड हिम unto his disciple and said privately, Blessed are the eyes which see the things that you see. For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which you see and have not seen them, and to hear those things which you hear and have not heard them. महान परमेश्वर, ये वचन के लिए आपको धन्यवाद है परमेश्वर। इस वचन से आज हम हमारे साथ आप बात करना, धन्यवाद है प्रभु। हमको आपने ये साल का अंत तक हम आपने हमको चलाया, बहुत आपत्ति से विपत्ति से हमको बचाया प्रभु। आज हम लोग आपका वचन के लिए हम खड़े हैं प्रभु, धन्यवाद करता है प्रभु आपका उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करता है आपका वचन के लिए, आपका दास लोग के लिए हम धन्यवाद करता है प्रभु। परमेश्वर आपका दास को आप अभिषेक करना, और आज हम आपके आपसे विनती करता है आप अलौकिक रूप से हमसे बात करना, होने दे आपका महिमा और आपका गौरव, यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल करना, आमेन। आप लोग बैठ सकते हैं। परमेश्वर का नाम को धन्यवाद दें। मैंने पढ़ा हुआ वचन, जो वचन को मैं पढ़ा है बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 सालों का पहले ये बातों को बताया अपना चेले लोगों के साथ, खास लोगों के साथ। इसलिए मैं वही टाइटल को रखना चाहता है, ब्लेस्ड आर द आईज विच सी द थिंग्स दैट यू सी। जो आंख आशीष होने दो, जो चीजों को आप लोग देखते हो वो आंख आशीष होने दो, ये मेरा टाइटल है। मेरा प्यारा भाई और बहनों, देखना बोलेगा तो भाई ब्रैनम बोलते हैं समझना, वैसे देखना समझना एक ही बात है। टू सी द किंगडम ऑफ गॉड बोलेगा तो टू अंडरस्टैंड द किंगडम ऑफ गॉड, जो समझना। मेरा प्यारा भाई और बहनों, 2000 सालों के पहले प्रभु ने इन बातों को चेले लोगों के साथ बताया, और यहाँ पर नीचे बोला बहुत नबी लोग और राजा लोग और बहुत बड़े बड़े लोग, आप लोग जो रहता है वो दिन को देखना चाहता था, मगर वो लोग देख नहीं सका बहुत लोग, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत भविष्यवाणी हो गया, सब कुछ हो गया। वो लोग चाहता था वो दिन को देखने के लिए इंतजार करता, वो सोचता था कितना महान दिन होएगा, मगर वो लोग देख नहीं सका। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, हालांकि उस समय पर ये बात था, मगर प्रभु इधर जो बात बोला मैं आज बताना चाहता है, ये खाली पहला आगमन के बारे में नहीं है, ये दूसरा आगमन के बारे में इन्होंने बताया। वैस प्रभु का बात कभी भी बहुत अलौकिक रूप से रहता है। परमेश्वर जो भी बोलता है उस समय को लेके बात किया करके हम सोचता है, मगर उस समय को लेके बात नहीं किया, ये मेरे लिए और आपके लिए ये बातों को बोला। बहुत लोग इसको प्रचार करता है, मैं सुना बोलेगा मेरा प्यारा भाई बहनों, वो यस प्रभु के नाम को धन्यवाद है। प्रभु यीशु मसीह का समय से भी बढ़कर
जो समय आज हम जी रहे हैं ये बहुत बढ़िया समय है। प्रभु मेरे को और आपको याद करते हुए इन बातों को बताया। हाँ, जो चीजों को आप लोग देखते हो और सुनते हो, हाँ वैस इनको बहुत नबी लोग और बहुत राजा लोग इंतजार करता था। मेरे प्यारा भाई बहन, अगर आप बोलेगा ये यीशु मसीह के समय के लिए बताया, मगर मेरा प्रश्न है यीशु मसीह के समय में ये बाइबल खुलासा नहीं हुआ। यस, ये बंद किताब था, ये बाइबल खुलासा नहीं हुआ। वो यस, मगर प्रभु ने बोलने के समय में एक क्या बोलता है प्रेजेंट जो उसी समय के लिए बोला जैसा बोलता था। ऐसा हम लोग देखेंगे तो प्रभु वो ये भी बोला, काली तुम लोग ने ये मेरा आवाज को सुनने का खबर भी मेरा आवाज को सुनेगा और मेरा और भी एक झुंड है वो लोग भी मेरा आवाज को सुनेगा बोला बाइबल में। अगर प्रभु ऐसा बोला तो फिर वो ये आखिरी का झुंड को याद करके वो बातों को बताया। एक बात है इधर, परमेश्वर आखिरी का झुंड को याद करते हुए अभी का समय का जो झुंड को याद करते हुए इन बातों को बताया। वैस ऐसा देखेंगे तो ब्रदर पॉल बोलता है तभी आंख बंद कर खुलासा होने के पहले हम लोग रूपांतर हो जाएगा। फिर वो उस समय में हो गया क्या? नहीं हुआ। ऐसे ही ये भी जो वचन है, मैं भी बहुत बार सोच रहा था ये उस समय में, मगर परमेश्वर ने हमारा बुद्धि को खोला, परमेश्वर ने हमको प्रकाशन को दे दिया, हम प्रकाशन में जी रहे। वैस हम अंधेरे में नहीं जीता है, हम प्रकाशन में जी रहे वैस। और इसलिए प्रभु उस समय का अनुसार बात किया, ठीक है, मगर वो समय के लिए वो चेले लोग के लिए नहीं है। वो लोग जो हम जो देख, अगर आप बोलेगा फिर क्यों ऐसा है? मैं एक बात बोलता है, जो हमने जो सुना, जो हमने जो देखा, इन बातों को पत्रुस भी नहीं देखा ना पत्रुस भी नहीं सुना। जो हमने जो देखा, जो हमने जो सुना, पौलुस होने दो, पत्रुस होने दो, और कोई कलिशे का युग का ये क्या बोलता है संदेश देने वाला दूत होने दो, ब्रानम, इवन ब्रानम भी, विलियम ब्रानम भी सातवा कलिशे का युग का जो संदेश देने वाला दूत विलियम ब्रानम भी नहीं सुना है। हाँ, आपको आश्चर्य होएगा क्या ब्रदर, विलियम ब्रानम भी नहीं सुना बोलते? बिल्कुल सही बोलता है भाई। विलियम ब्रानम खुद बोला ये बात मेरे को मालूम नहीं है, ये बात मेरे को ये अन्य भाषा का जैसा सुनने को मिलता है और देखने को मिलता है, मेरे को मालूम नहीं है बोला। मैं बोलता है बाइबल का अंदर का, मैं बोलता है बाइबल का अंदर का जितना नबी लोग है, हाँ इसलिए प्रॉफिट्स करके ब्रदर यीशु मसीह बोला, बाइबल के अंदर के जितना नबी लोग है, विलियम ब्रानम तक नबी लोग है, वो लोग ये दिन के लिए इंतजार करता था। वो लोग को ये बात देखने को नहीं मिला ना सुनने को नहीं मिला। इतना महान चीज है वो, इतना महान दिन में हम लोग रहते हैं। सोचो जरा ये बातों को आप लोग सोचिए। यीशु मसीह ने क्या बोलते हैं, प्रॉफिट्स बोलेगा पूरा नबी लोग और राजा लोग और नेता लोग, बड़े बड़े लोग, आप लोग जो रहता है वो दिन को देखना चाहता था। आप लोग बोलेगा तो सब लोग सोचेगा चेले लोग करके, क्योंकि पीटर, जेम्स, जॉन, तो थॉमस, ये सबको मिला के, जुड़ास को छोड़ दो, हाँ वो तो है सर्प का संतान है, और बाकी सब लोग तो मिला के उन्होंने बोला करके हम सोच सकते हैं, मगर नहीं है। वैस अगर ऐसा होएगा तो मेरा प्रश्न है फिर पत्रोस जो हम लोग जो देखा, हम लोग जो सुना, पत्रोस सुन से भी सुनने पत्रोस नहीं सुना ये बातों,
ना जेम्स नेसुर ना कोई भी चेले लोग ना जॉन पत्मोस आइलैंड में जो जॉन को डाला था वो खाली दर्शन में देखा मगर उसको समझा नहीं, उसको भी अन्य भाषा का जैसा वो अन्य भाषा वो चिन्ह को लिखने को गया प्रभु उसको भी बंद करके बंद करो बोला, ये समय नहीं है तुमको ये लिखने के लिए। वो यस परमेश्वर ऐसा काम कर दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो यस अगर वो लोग सुनता तो, अगर वो लोग समझता तो चर्चेज होने का जरूरत ही नहीं था। चर्चेज कलिशे के युग होना नहीं मांगता था। नाइसिया काउंसिल में प्रभु का ये बहुत बड़ा प्रकाशन नहीं गिरना मांगता था। नाइसिया काउंसिल के बाद अंधेरा नहीं होना मांगता था। कलिशे का युग नहीं होना मांगता था, क्योंकि अगर वो लोग सुनता तो, अगर वो लोग समझता तो, अगर वो लोग देखता तो ये सब नहीं होना मांगता था। फिर क्यों हो गया? क्योंकि वो लोग, हम जो सुना है, हम जो देखा है, वो लोग देखा भी नहीं ना सुना भी नहीं। ओ यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये मैसेज को आप बहुत यूट्यूब पे भी आप देखो और समझने की कोशिश करो। वैस मैं दावा करके बताता है, एक भी इवन पौलुस इतना बड़ा नबी, इतना बड़ा रेवलेशन बात किया हुआ नबी, ब्रदर पौलुस इतना बड़ा नबी, वो उनका बातों को, वो उनका लिखा हुआ चीजों को पत्रस ने पढ़ते हुए क्या बोला? हमको इन बातों को समझने को नहीं होएगा, इतना बढ़िया रेवलेशन लेकर के बोला। मगर वो भी मैं बोलता है इन बातों को समझा नहीं और देखा भी नहीं। वैसे और इतना बड़ा बात बोला, वो आंख देखा नहीं और कान सुना नहीं, ऐसी चीजों को प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए रखा है करके बोला। और भी जो आंख देखा, जो कान सुनते हुए समझा, ये हमारा समय के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। इवन विलियम ब्रैनम का भी मैं बताता है, विलियम ब्रैनम एक मशहूर नबी है, एक मशहूर प्रॉफिट है। वैसे और इतना होने के बाद भी, और जो क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा नबी है, वो बहुत बहुत नम्रता का नबी है, और वो इंतजार किया, वो भी इंतजार किया, मैं बताता है वो भी इंतजार किया, वो इंतजार किया करके एक प्रूफ बोलता है, सबूत बोलता है। वो सबूत जो है व्हाइट टेंट को लाके रखा है, वो खरीद करके व्हाइट टेंट, सफेद तरीका का एक टेंट को लाके रखा, ताकि वो मिनिस्ट्री, ताकि वो सेवकाई उसका समय में हो जाएगा करके सोच के उनको लेके रखा, मगर नहीं हुआ। फिर दो साल तक 1963 से लेके 1965 तक उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि एक ही बात था उसको, सातवां मोहरा का खुलासा, सेवन थंडर को सुनना, सातवां मोहरा को देखना, सेवन थंडर को सुनना, प्रभु को इस पृथ्वी में खड़े होते हुए देखना। सचमुच में मैं बोलेगा तो भाई ब्रैनम खाली दूत को देखा, दूत को देखा, वो एक छोटा दूत को देखा, छोटा दूत बार बार आके उसको मिलता था, मगर प्रभु यीशु मसीह उसको हकीकत में ऐसा दिखने को मिला, पृथ्वी और आकाश के बीच में वो मिला था देखने को, वो देखा, मगर भाई ब्रैनम को, भाई ब्रैनम के तरफ नहीं देखता था। उन्होंने अपना आप को पिंच किया, अपना क्या था, ताकि ये नींद में क्या ना जागरण में क्या करके चेक करने के लिए अपना आप को उन्होंने पिंच किया, मगर वो जागरण में था, सोता नहीं था। उस समय पर उन्होंने यीशु मसीह उसका कपड़ा और उसका शकल पूर्व का तरफ था, वैसे भाई ब्रैनम के तरफ नहीं देखता था वो, वैसे और आकाश और पृथ्वी का बीच में खड़ा था सफेद कपड़ा को पहन के। ये बातों को हम देखते हैं और बहुत बहुत ध्यान से देखा, बुलाया मेरा यीशु मसीह करके बुलाया, थोड़ा देर तक ऐसे ही देखा, वो बाद में वो निकल गया, वैसे निकल गया। वैसे भाई ब्रैनम इसके लिए इंतजार किया, वो प्रूफ है हमें
सबूत है मेरे लिए और आपके लिए। सारा नबी लोग पहले आगमन के बारे में नहीं, ये जो महान घटना, ये बाइबल का पूरा खुलासा, खाली अंदर का नहीं बाहर का भी खुलासा, ये बाइबल पूरा खुलासा होना, खुली हुई किताब किताब से सुनना, वैसे अंदर और बाहर का खुली हुई किताब से सुनना। Praise be the name of the Lord। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझो क्यों हमारा अगेंस्ट इतना सातान गिरा है, क्यों मेरा और आपका एक विरुद्ध सातान बहुत गिरा है, थोड़ा सोचो। मैं अभी प्रभु का कृपा से, प्रभु का उपस्थिति से मैं अभी इधर प्रचार करता है, मगर मैं भी कमजोर आदमी है, मैं इतना कमजोर है, मैं कभी कभी संकट में गिरता है, कभी कभी मेरे को सचमुच में प्रभु का कृपा नहीं होता तो मैं मर जाता था, वैसे मैं खुदकुश करता था। मैं प्रभु का कृपा से मैं जिंदा है इधर, मैं कबूल करता है। 25 दिसंबर 1922 में ये मैसेज में मैं इन बातों को कबूल करता है, क्योंकि उतना तक मेरे को सातान ने मेरे को सता रहा है, मेरे को भी बहुत बार समझा नहीं क्यों सातान सर, क्योंकि जो चीजों को हमने सुना है, जो चीजों को हमने देखा है, इस दुनिया में कोई भी नहीं सुना ना कोई भी नहीं देखा। अरे तेरे पास भाई लामट का मैसेज हो सकता है भाई, तू 26 घंटे उसको सुन सकता है, तू 26 घंटा वो टेप को ना MP3 को रख के उसको पूजा कर सकता है, मगर तो उससे ऐसा नहीं तुमको सुनने को मिलेगा। पवित्रात्मा के द्वारा, होली गोस्ट के द्वारा, प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड के द्वारा आप सुनना चाहिए। वैस उसके लिए मैं पूरा डिटेल नहीं बताता हूं, तो दिन सवेरे से लेके रात तक तो कान में रखे लाइमर का मैसेज सुनने से तो उसको सुना करके नहीं बोल सकता है। मैं बताता हूं, बाइबल का प्रूफ से बताता है और विलियम ब्रैनम का मैसेज का प्रूफ से बताता है। वैसे खाली तुम कोटेशन को जानते हो, कुछ बातों को जानते हो बस, और बाकी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रेयर लाइफ नहीं है, तुम्हारे जीवन में फास्टिंग नहीं है, तुम्हारे जीवन में कौन सा भी डेडिकेशन नहीं है, समर्पण नहीं है। खाली टेप सुनने से, खाली खान से रख के जो सुनने से 26 घंटा वैसे इसके लिए ये विक्टोरिया का स्थिति को देखो, डीमोस का स्थिति को देखो, वैसे डेल का स्थिति को देखो, ये डेल, ये डीमोस, ये विक्टोरिया, वैसे भाई लामट जो प्रभु के पास जाने से उसके बाद वो लोग लगातार सुनता था, लगातार इकट्ठा होता था, कौन सा भी किसी का जो चर्च में नहीं जाता था। आखिर में वो लोग का हालत देखो क्या हो गया, इसलिए वो सबूत नहीं है, वो सबूत यही है आपको और मेरे को होली गोस्ट बताना चाहिए, ये मैसेज को होली गोस्ट लाके मेरे को और आपको बात करना चाहिए, ये तरीका है। होली गोस्ट पवित्र आत्मा मेरे को और आपको ये मैसेज को लाके बोलना चाहिए, होली गोस्ट बात करेगा, होली गोस्ट बोलेगा, तब हम उसको बराबर सुना जैसा होता है। फिर कैसा होली गोस्ट बताएगा, होली गोस्ट बताने का तरीका है वैस, होली गोस्ट प्रचारक का अलावा और किसी को लेके बात नहीं करता है, होली गोस्ट प्रचारक को लेके, प्रचारक के द्वारा इस मैसेज को पूरे का पूरा तरीका से आप बात करेगा, वो आप सुनेगा, तब आपको मालूम पड़ेगा ये मिनिस्ट्री क्या है, ये मैसेज क्या है, ये रेवलेशन क्या है करके। Can you say amen? Amen. Oh yes. Praise be the name of the Lord. इसलिए मेरे भाई और बहनों ध्यान से सुनो, जो लोगों ने भाई ब्रैनम के तरफ आ गए, भाई ब्रैनम को देखा, भाई ब्रैनम को पूजा भी कर दिया, भाई ब्रैनम को मसीह करके भी बोला, सब कुछ किया, क्योंकि उसका मिनिस्ट्री वैसा था, उसका मिनिस्ट्री को देखते हुए, उसका मिनिस्ट्री देखने से, उसका मैसेज सुनने से आप पूरा सुना जा करके नहीं बोल सकता है। ये 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 स्क्रिप्चर, ये वर्स, वो ये 10वां अध्याय लूकू का सुसमाचार 10वां अध्याय 23 और 26 मेरा प्यारे भाई और बहनों, ऐसा लोगों के लिए नहीं बोला, ये स्क्रिप्चर बात करता है जो
लोगों ने पूरा खुलासा को पढ़ा, जो लोगों ने पूरा खुलासा को सुना, पूरा जो रेवलेशन को सुना, अंदर का और बाहर का, सेवन थंडर को सुना, सातवा मोर को देखा, सातवा मोर को समझ लिया, ऐसी लोगों के लिए बताया। Can you say amen? सातवां मोहर क्या? बाइबल के अंदर का कौन सा भी नबी ने नहीं सुना, नहीं देखा, और सात गर्जन कोई नहीं देखा, खाली सिर्फ ये अंतिम दिन का ब्राइड के लिए रखा हुआ है। अंतिम दिन का ब्राइड इन बातों को सुनेगा और देखेगी, सुनेगी और देखेगी। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। वायस मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए मैं बोलता है इधर मिला के बोलते, यीशु मसीह क्या बोला, जो नबी लोग, जो बड़े बड़े लोग, नेता लोग, बड़े बड़े पास्टर लोग, बड़े बड़े ये लोग, इवन विलियम ब्रैनम का मैसेज का मैं वो भी मिला के बात करता है, विलियम ब्रैनम का चर्चेस का जो लोग विलियम ब्रैनम का मिनिस्ट्री को लेके आज रहता है, वो लोग वयस, बड़ा बड़ा बिशप लोग, बड़ा बड़ा नेता लोग, वयस बड़ा बड़ा वयस प्रसिद्धि पाए हुआ लोग, वयस वो लोग भी इंतजार करता था और बाद में वो लोग गलत रास्ते में निकल गए, वो लोग भी इन बातों को नहीं देख सकते, इंतजार किया, क्योंकि भाई ब्रैनम इंतजार किया। भाई ब्रैनम 1965 पर ये पृथ्वी को छोटे के तक उसका इंतजार था, वो सोचा था प्रभु उनको बताएगा, वो सोचा था प्रभु उनको दिखाएगा, सब कुछ देखा, वो बहुत जबरदस्त दर्शन को देखा, बहुत जबरदस्त सपना को पाया, बहुत जबरदस्त आवाज को सुना प्रभु का, वयस और छोटा दूत आके उसको मिलता था वयस, क्योंकि प्रभु का अवतार पूरा नहीं हो गया। मेरा प्यार, और उनका आगे का जो सेवकाई, उनका बाद में का जो सेवकाई, प्रभु पृथ्वी में खड़ा हुआ चीजों को देखा हो, परमेश्वर उसको दिखाया, प्रभु पृथ्वी के ऊपर पूरा खड़ा होते हुए उनको बुलाते हुए बात किया, किसको मालूम है ये बात, और उन्होंने पूरे का पूरा देखा और हमको दिखाया, हम वो देखा, हम देखा, एक ही हिसाब हो गया वयस, और उनको बुलाया और उनको बोला, ये भाई ब्रैनम का मैसेज का पूरा रेवलेशन में तेरे को देगा करके उन्होंने बोला वयस, कहीं ना कहीं जगह पर वो कोटेशन है मेरे पास वयस। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे मेरा प्यारा भाई बहनों वयस, इसलिए इनको ये स्क्रिप्चर को बहुत लोग गलत प्रचार करता है, बहुत लोग का प्रचार गलत है, वो लोग अलग ही प्रचार करते, क्योंकि वो लोग को मालूम नहीं है बाइबल को कैसा डिवाइड करना, बाइबल को कैसा बताना, और मैंने वो नहीं बोलता, मैं ही पहला आदमी है इसको प्रचार किया करके, हो सकता है और कोई ना कोई प्रचार किया होगा, मगर मैं वो मेरा चीज नहीं है वो सब देखने का, मेरा चीज वही है जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए जो रोटी को दिया है उसको हम खाएंगे वयस। आप कौन सा भी हिसाब से दावा नहीं कर सकता है, आप कभी भी बोलेगा ये बातों को, पत्रुस और पौलुस, सॉरी पौलुस तभी नहीं था, छह लोग था, वो लोग को बताया, बाद में पत्रुस पौलुस है, नो कोई भी नहीं, अगर ऐसा वो लोग सुनता तो, अगर ऐसा वो बातों को देखता तो नाइसिया काउंसिल का जैसा एक काउंसिल नहीं होना मांगता था, वो उधर विफल होता था, क्योंकि पहला पेंटेकोस्ट का कलीसिया वहां पर गिरना नहीं मांगता था, वयस बिल्कुल नहीं गिरना मांगता था, क्योंकि वो लोग सुना है और वो लोग देखा है, जो चीज हम आज देखा, जो चीज हम आज सुना, बराबर सुनो, ये चीजों का अगर वो लोग सुना, वो लोग देखा, बिल्कुल नहीं गिर सकता था। ये 2000 सालों से ये कलिश का युग नहीं होना मांगता था, अंधेरे का युग नहीं आना मांगता था, मगर इसीलिए क्यों वो लोग नहीं सुना और ना नहीं देखा। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, अंतिम दिन का दुल्हन के लिए ये भाग्य को प्रभु ने रखा है, ये मौका को प्रभु ने रखा है, क्योंकि अंतिम दिन का दुल्हन इन बातों को देखी और आनंद उठाई
रिचॉइस उठाई। अभी मैं बोलना चाहता है, सुनने के बाद मनुष्य खामोश नहीं बैठता है और देखने के बाद मनुष्य खामोश नहीं बैठता है, उसका हृदय के अंदर एक तरीके का आनंद हो जाएगा। कौन सा भी स्थिति में, कौन सा भी स्थिति में, कौन सा भी तरीके में परमेश्वर अलौकिक रूप से आके उनके साथ अपना पूरा संपर्क को रखना चाहता है। Can you say amen? Yes, the Lord have his whole and soul presence with that kind of person. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Can you say amen? Yes, that is the great message. I am delivering the real Christmas message today. It is a real Christmas message. It's such a Christmas ka message. बाकी लोगों का जैसा हम नहीं करता है, आज सेलिब्रेशन नहीं करता है, ये मैसेज है, क्योंकि ये असली क्रिसमस है मेरे लिए और आपके लिए, क्योंकि हमने देखा, सिमियन भी नहीं देखा, हमने देखा पौलुस भी नहीं देखा, ना ब्रैनम भी नहीं देखा, हमने जो सुना है ना कोई नबी लोग नहीं सुना ना नहीं देखा, मगर ये भाग्य को प्रभु ने, ये मौका को प्रभु ने मेरे को और आपको दे दिया। और यस, कितना भाग्यवान लोग है हम लोग। Can you say amen? हमारा जैसा भाग्यवान और कोई भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई, हिंदी मैसेज के लिए ना 10 लोग रहने दो, ना एक आदमी रहने दो, मैं प्रचार करते रहूंगा, क्योंकि मेरे को मालूम है एक समय आ जाएगा बहुत लोग इसका वैल्यू को पकड़ेगा और देखने को शुरू करेगा। हमारा मकसद वो नहीं है कितना व्यूवर लोग है, कितना व्यूस आ गया, कितना भी व्यूस आने दो, वी आर कंटिन्यू प्रीचिंग इन हिंदी एंड हिंदी में प्रचार करते रहेगा, कितना भी व्यूस आने दो, कितना भी लोग सुनने दो, क्योंकि जो लोग सुनता है उसको प्रभु ने जगत की उत्पत्ति का पहले उनको बिलीवर का रूप से बना दिया। Praise be the name of the Lord. Oh yes, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। Oh yes, प्रभु यीशु मसीह बराबर बोला। Oh yes, मैं बाइबल फटने के समय में प्रभु ने वहां पर ही मेरे को रोका और मैसेज के लिए तैयार किया। सचमुच में बताता है। Oh yes, ये मेरे प्यारे, ये पूरा उछाला है। हाँ, हालांकि क्योंकि लोगों को क्या हो गया, हर बहुत नबी लोगों को परमेश्वर ने भेजा। हाँ, आखिरी तक विलियम ब्रैनम तक भेजा। विलियम ब्रैनम को हम मानते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। विलियम ब्रैनम एक जबरदस्त नबी है करके हमको मालूम है, मगर उनको खाली इतना ही मौका मिला बाइबल के अंदर का पूरा भेद को खुलासा करना। रेवलेशन 10:7 का मौका मिला, उसी काम को कर दिया हो, और उसको सुनने से, सर्प के बीज को सुनने से, एक ही परमेश्वर है करके आप समझने से, प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा करके आप समझने से, बाइबल के अंदर का सारा चिन्ना, वैसे सारा चिन्ह को आप समझे, बराबर सुनो, बाइबल का अंदर का पूरा चिन्ह को आप समझ लिया, क्योंकि भाई ब्रैनम को प्रभु ने भेजा बाइबल के अंदर का चिन्ह को समझने के लिए। वैसे मैं बताना चाहता है इन बातों को भी, ये पत्रुस लोग ने, क्योंकि हाई लेवल तक आ गया भाई ब्रैनम, जो आखिरी का जो लवदोषे का जो संदेश का दूत और नबी, वैसे हर एक चिन्ह को, हर एक चिन्ह बाइबल के अंदर का, एक भी चिन्ह को छोड़ा नहीं, उतना सब कुछ भाई ब्रैनम ने खुलासा कर दिया। Praise be the name of the Lord. भाई ब्रैनम का ना जैसा नबी कौन है, कोई नहीं है, क्योंकि भाई ब्रैनम सारा नबी लोग में, मैं अभी बताता है, सारा उत्पत्ति से लेके रेवलेशन तक पूरा नबी लोगों का लिस्ट बना के देखेगा, भाई ब्रैनम का जैसा जबरदस्त और शानदार और पावरफुल नबी कोई भी नहीं मिलेगा। ये मेरा साक्षी है, ये मेरा दावा है, भाई ब्रैनम का जैसा नबी कोई भी नहीं मिल सकता है आपको, और यस किधर भी नहीं मिल सकता है, ऐसा जबरदस्त उसका सेवक है। यस, अरे उसका मुंह का बात कितना मधुर है, कितना स्वीट है, उसका मैसेज कितना स्ट्रांग है,
माई गॉड, भाई ब्रैनम करके क्या सोचे हो आप लोग? भाई ब्रैनम क्या मामूली है? नो, हम लोग उसको मामूली के जगह पर नहीं रखता है। जबरदस्त नबी है, जबरदस्त प्रॉफिट है, ग्रेट प्रॉफिट अमंग ऑल द प्रॉफिट्स, सबसे बड़ा नबी है पूरा नबी लोगों के बीच में। मगर बराबर सुनो, प्रभु ने क्या बोला? All the mysteries written in the Bible will be revealed, पूरा खुलासा हो जाएगा भाई ब्रैनम का सेवकाई के द्वारा। मगर बिना छिन्ना का जो भेद है, बिना छिन्ना किधर है? बिना छिन्ना का जो भेद है, कौन सा है वो? सेवंथ सील, उसमें छिन्ना नहीं देख सकता ना, कुछ भी नहीं देख सकता, आपको पूरा ब्लैंक आपको दिखेगा, वैस ब्लैंक दिखेगा, वैस बिना छिन्न का जो भेद को भाई ब्रैनम खुलासा नहीं किया, क्योंकि छिन्न तक भी परमेश्वर लिखने के लिए नहीं छोड़ा। वैस लिखने के लिए कोशिश किया, हाँ, पद्मोस द्वीप में वो जॉन, मगर उसको रोक दिया, ना मत लिखो। इवन डैनियल को भी पूरा बंद करने को बोला, जाओ तेरा पिता के साथ जाके सो जाओ बोला। वैस छिन्न को भी नहीं छोड़ा, थी फिर कितना बढ़िया बात है मेरे प्यारे भाई बहनों, छिन्न को भी। वैसे भाई ब्रैनम को वो कुछ भी नहीं दिखाई दिया, वो बोलता है मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है, और उन्होंने इतना तक हिंट दिया, बस छोड़ दिया बात। बोला दो नबी लोग, दो 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 नबी लोग, बड़ा बड़ा नबी लोग बीच में, एक तो जाना चाहिए, एक तो रहना चाहिए, वैसे सब हिंट दिया मगर कुछ भी बोला नहीं, क्योंकि इंतजार किए हो, ये पक्का बात है। इसलिए मैं बोलता है भाई ब्रैनम को देखे मैं बोला, पत्रुस भी इंतजार, पत्रुस भी नहीं सुना करके इसलिए बोला, क्योंकि भाई ब्रैनम ही नहीं सुना। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ लोग मूर्ख लोग है, बुद्ध लोग है, वो लोग अपना मन में क्या आता है वही सब बात करके रहेगा, वो बोलता है भाई ब्रैनम से सब कुछ खत्म हो गया बोलता है। पत्रुस के समय में भी ऐसे हो गया लगता है, और पौलुस के समय में, पौलुस के बाद कुछ भी नहीं करके वो लोग बोला लगता है, वैसा होता है, क्योंकि इतना नबी लोग जबरदस्त रूप से आता है, और वो मिनिस्ट्री को वो लोग देख के अंदाजा लगाता है, अरे इसके बाद और कुछ भी नहीं है। वैसे वो केस अभी भाई ब्रैनम का समय में भी हो गया, वो लोग भाई ब्रैनम का जबरदस्त सेवकाई को देखा, दो खिंचाव को देखा, और जबरदस्त था, बहुत जबरदस्त था, उधर ही वो लोग रुका और बोला। मगर मैं एक बात बोलता है भाई ब्रैनम आखिरी तक आप लोग को मालूम है, इवन ट्रेल ऑफ द सर्पेंट का नोट्स उन्होंने लिखा, ट्रेल ऑफ द सर्पेंट, ट्रेल ऑफ द सर्प का जो क्या बोलते हैं ट्रेल, वो उधर तक नोट्स लिखा मगर प्रचार नहीं किया। वो ये सब बात हमको मालूम है, प्रभु ने छोड़ा नहीं उसको बहुत बातों में, मगर उसको मालूम ही नहीं था। और व्हाइट हैंड को लाके रखा था उन्होंने, व्हाइट हैंड का विजन दर्शन भी मिला, वो लाके रखा, वो सब उनका समय के नहीं है, वो सब दुल्हन, क्योंकि वो सब सेवकाई होने के लिए दुल्हन पूरे का पूरा सुनना चाहिए ना, पूरा देखना चाहिए। हाँ, Praise be the name of the Lord। बहुत लोग सोचते हैं यीशु मसीह का पहला आगमन है बहुत जबरदस्त है, यीशु मसीह का पहला आगमन एक भयंकर है, ये सब क्रिसमस मनाने वाले का यही बात है। ये डिनोमिनेशन होने दो, सब लोग होने दो, वो लोग के लिए वो बहुत बढ़िया हो गया। ब्रैनम को छोड़ दो, वो लोग उसी को देखता है पूरा डिनोमिनेशन, एक दिन वो लोग का आंख खुलासा होएगा, क्या बड़ा है क्या छोटा है, उस समय पे वो लोग को समझेगा, क्योंकि परमेश्वर आउटपोरिंग ऑफ द होली गोस्ट को ब्राइड के ऊपर डालेगा, तब ब्राइड का जबरदस्त सेवकाई खुलासा होएगा, वॉइस ब्रेक होएगा, वॉइस क्विक शॉर्ट मैसेज, वॉइस थोड़ा समय का क्विक शॉर्ट मैसेज पूरा दुनिया को हिलाएगा, एक कोरोना गिर रहा पूरा निकल जाएगा, क्योंकि क्विक शॉर्ट मैसेज पूरा दुनिया को हिलाएगा, तब ये लोग का खुलासा होएगा। हम लोग जो मना रहा था ये सब क्रिसमस, ये असली चीजें करके वो लोग सोचे। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। देखिए समय जाते रहता है, मगर जो चीज प्रभु ने रखा है, जो चीज प्रभु ने अभी तैयार कर रहा है,
दुनिया को मालूम नहीं है। वैसे अगर मैंने इधर चार दीवार का अंदर इन बातों को बिना होली गोस्ट से प्रचार करता है सुनो, मगर अगर होली गोस्ट आने पर यह मैसेज कितना पावरफुल हो सकता है आप लोग सोच भी नहीं सकता है। वैसे अभी मेरा मैं चार दीवार के अंदर यह बहुत बड़ा रेवलेशन को मैं प्रचार करता है। परमेश्वर ने मेरे को ताकत दिया, वैसे जो भी पवित्र आत्मा प्रभु ने दिया मैं प्रभु को धन्यवाद है। बिना पवित्र आत्मा से मैं कर नहीं सकता है, बिना पवित्र आत्मा से मैं प्रचार छोड़ दो ये पढ़ भी नहीं सकता है ना समझ भी नहीं सकता है, मगर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है। परमेश्वर ने मेरे को कैसे भी पवित्र आत्मा को दे दिया इनको प्रचार करने के लिए और मैं प्रचार करता है। मगर एक दिन यही प्रचार, यही जो मैसेज, यही जो सब्जेक्ट, यही जो बात, यही जो स्क्रिप्चर बाइबल के अंदर का वयस उस समय पर भयंकर तरीके से प्रचार किया जाएगा। वयस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद है, इसीलिए हमको दुख नहीं है। आज एक जन एक आदमी देखने दो, एक आदमी सुनने दो, दो आदमी सुनने दो, दस सुनने दो, हजारों सुनने दो, हमको कोई भी फर्क नहीं होता है। ये सब मैसेज सेव्ड है, परमेश्वर ने उसको बच्चा कर रखा है। Can you say amen? Yes. और इसलिए मेरे प्यारा भाई बहनों, इसलिए कोई भी ये स्क्रिप्चर उस समय के लिए प्रभु ने नहीं बोला, मेरा और आपका समय के लिए लिखा हुआ स्क्रिप्चर है ये। हाँ, मेरे को ये कंफर्म बोलता है क्योंकि परमेश्वर मेरे को कंफर्म कर दिया। मेरे को ब्रूस का जैसा ना किसी का जैसा आवाज सब सुनने को नहीं मिलता है, मेरे को इच्छा भी नहीं है प्रभु आवाज को मेरे को ऑडिबल आवाज से आके बात करो। और प्रभु मेरे को दर्शन दे के पत्थर का ऊपर, पत्थर के नीचे, पत्थर का साइड में, पत्थर के अंदर, मेरे को ये सब नहीं चाहिए, वो सब के पीछे नहीं जाता है। मेरे को एक ही चीज चाहिए, the word, वचन चाहिए। Can you say amen? The word, yes, the word, the revelation, बस उसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने उससे भी बढ़कर हमको दे दिया। ये लोग पूरा घमंडी लोग मेरे फेर बैर बैर एक दर्शन को बताता है और पिलर ऑफ फायर गिरा बोलता है, कुछ भी फायदा नहीं है। वो पिलर ऑफ फायर गिरने वाले से जाके पूछो, ऑडिबल आवाज को सुनने वाले के जाके पूछो, ये स्क्रिप्चर को थोड़ के देने को बोलो, नहीं दे सकता है वो। मगर हमको प्रभु ने धन्यवाद है क्योंकि हमारे ऊपर जितना भी टन्स एंड टन्स देविला के हमारे ऊपर सताने दो, वैसे हमको थोड़ा सा समय हमको दुख लगता है, हम रोता है, हम चिल्लाता है, रोता है, क्योंकि हम मनुष्य, मनुष्य के जीवन में हमको दुख आता है, रोने को आता है, खुदकुशी के लिए मन आता है, जीवन को अंत करने के लिए हम सोचता है, सब कुछ करता है। मगर मेरे प्यारे भाई बहनों, मगर हमको प्रभु ने ऐसा मौका दिया, प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, ऐसी चीजों को हमने सुना, ऐसी चीजों को हमने देखा और दुनिया में कोई भी नहीं देखा, ना कोई भी नहीं सुना, ना ये नबी लोग, ना ब्रैनम भी नहीं सुना, ना ब्रैनम भी नहीं देखा। मैं बताता है, अगर आप मेरे को बोलेगा आप गलत बोलते हो करके, मैं गलत नहीं, आप सिर्फ गलत है, क्योंकि आप विलियम ब्रैनम को झूठा का जगह पर खड़ा रहने को देखता है। विलियम ब्रैनम झूठा नहीं है, सच्चा है, वो ईमानदारी रूप से बोला, आई डोंट नो बोला, मेरे को मालूम नहीं है बोला, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं ना देखा नहीं। वैसे जो भी वो देखा, जो भी दर्शन को देखा, जो भी सपना को उन्होंने देखा, वो इधर वो नहीं आता है, इनका बारे में वो देखा अलावा, और ये इनको नहीं देखा, वो सपना देखा और दर्शन को देखा, सब कुछ देखा, उनका रिलेटेड, उनको वो, उनको संबंधित का चीजों को उन्होंने देखा, मगर इन चीजों को नहीं देखा। मगर बिल्कुल वो इंतजार करता था, बिल्कुल वो इंतजार करता था। परमेश्वर ने उनको जितना दिया उसी से उनको बाद में उनको घर पे लेकर गए। वैसे इसलिए वो 1965 तक वो इंतजार किया, नहीं दिया। मगर धन्यवाद बोलो, धन्यवाद बोलो, एमएसए सुनने के समय में पाखंड के जैसा सुनो मत, सुनो
परमेश्वर का कृपा से आप सुनते हो, धन्यवाद बोलो मेरे को और आपको ये मौका को प्रभु दिया। कैन यू से आमेन? मैं और आप इन बातों को देखा, मैं और आप इन बातों को सुना और आनंद कर रहा है। धन्य है, आशीष पाने तो बोला, blessed is he whose eyes have seen the things which you see। आहा, प्रभु ने क्या बोलते हैं, आशीष होने तो बोला वो। आहा, इसलिए आपको मैं क्या बोलो, जो लोग बराबर सुनो और रिपीट करके बोलते हैं, जो लोग इन बातों को सुना, जो लोग सेवन थंडर को सुना और सातवां मोहरा का खुलासा को देखा, वो लोग सबसे बड़ा आशीष पाया हुआ लोग इस पृथ्वी के ऊपर है। हाँ मेरी से आमेन। सबसे बड़ा वो लोग धार्मिक नहीं है, आहा ना पूरा बहुत बड़ा आत्मिक नहीं है, वो लोग सच्चा परमेश्वर का बच्चे लोग है। परमेश्वर ने वो लोग को दिखाया, आशीष पाया हुआ झुंड है। और मैंने और एक बात बोलते हैं, आप कुछ भी करो इस पृथ्वी में, कौन से भी चीजों में गिरो, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपके लिए खड़ा हो जाएगा। आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है, आपका कौन से भी इवन ब्लंडर 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 मिस्टेक को भी प्रभु संभालेगा, क्योंकि ये बातों को प्रभु आपको दिखाया, इसलिए आपको प्रभु ने पूरा आशीष का नीचे लेके आने के लिए। क्या न्यू से मैं इस घड़ी पर हम बहुत आशीष को पाया। डिनोमिनेशन के लिए विलियम ब्रैनम का मैसेज, इसीलिए विलियम ब्रैनम भी क्रिसमस का ग्रीटिंग्स बोला, मालूम है मैं मेरा स्टेटस में डाला, मेरा स्टेटस में वो भी डाला, विलियम ब्रैनम सबको मेरी क्रिसमस करके बोला। मेरा विलियम ब्रैनम ऐसा करना ही मांगता था, क्योंकि विलियम ब्रैनम डिनोमिनेशन के बीच में आया, वो ऐसा बोलना ही मांगता था। इसलिए मैं एक प्रश्न मेरे को एक पास्टर ने भेजा, मैं नाम नहीं बोलता है, नाम बोलने का अच्छा नहीं है। वो पास्टर मेरे को मैं टेस्ट करने के लिए सद्दूकी फारसी लोग कैसा प्रश्न पूछता था, हाँ वैसा मेरे को प्रश्न पूछा, क्या हम लोग क्रिसमस के लिए ये मेरी क्रिसमस क्या बोलूँ नहीं बोलो करके पूछ के मेरा व्हाट्सएप में मैसेज भेजा। थोड़ा समय का पहले, थोड़ा दिन का पहले, हाँ मैं उसके लिए इमिडिएटली जॉब ले दिया, मगर मैं समझ लिया ये मेरा स्पिरिट को पकड़ने के लिए इन्होंने ऐसा प्रश्न को डाला मेरे को, मगर इमिडिएटली मैं जॉब नहीं दिया। मगर कल ना परसों मेरे को एक कोटेशन मिला बाय ब्रैनम 1963 का मैसेज और एक 1947 का मैसेज। 1947 का मैसेज में बोला, आई वांट टू से मेरी क्रिसमस टू यू ऑल करके बाय ब्रैनम बोला, और 1963 में बोला लेट अस बो डाउन आवर हेड, हमारा सर को नीचे डालो और सबको मेरी क्रिसमस है करके बोला। ये दोनों को भी मैं उनको भेज दिया। और कल साउथ अफ्रीका से एक भाई ब्रदर बार्नबस मेरे को एक वीडियो भेजा बाय ब्रैनम क्रिसमस का ग्रीटिंग्स देने का, उनको भी मैं उनको भेज दिया। हाँ हाँ मैं उनको स्टेटस में भी डाला और एक वीडियो को भी बाय ब्रैनम का दोनों को भी मैं डाल दिया। क्यों बोलेगा तो मैं बताता है इसका क्या बात है, क्योंकि वी आर नॉट ए फैनेटिक्स। लोगों के अंदर ऐसा चीज है, देखिए मेरा प्यारा भाई बहन, जिसको सुनने को मिला, जिसको देखने को मिला, वो ऐसा एक्ट नहीं करता है, वो ऐसा फैनेटिक नहीं करता है, अरे इनका साथ मत मिलो उनका साथ, वो फ्री रहता है, क्योंकि उनको जबरदस्त प्रभु ने दिखाया, उनको जबरदस्त प्रभु ने सुनाया, वो ऐसा फैनेटिक में नहीं रहेगा। ये लोग सुना भी नहीं ना देखा भी नहीं, ये लोग फैनेटिक्स लोग है। ये लोग को वही बात दिखता है, क्रिसमस को ग्रीटिंग्स मत करो, क्रिसमस में हाथ मत मिलाना, ना केक मत देना, ना केक मत लेना, वैसे हम लोग नहीं करता है। मगर हम मेरा प्यारा प्यार बहनों, जो भी है, जो अन्य जात का कोई भी है पूछेगा आपके क्रिसमस है, हम नहीं बोलेगा, मैं नहीं बोलता हूँ नहीं, हम क्रिसमस नहीं,
ध्यान आता है। एक समय में मैं बोलता था, एक समय में मैं ऐसा करता था, अभी नहीं करता है, क्योंकि वो लोग को मालूम नहीं है। एक बात बोलता है, हाँ हमको विश्राम है, हमको बुद्धि है, हमको ज्ञान है। अगर आप बोलेंगे तो वो लोग विश्वास है, वो बोलेगा कुछ भी हमको देने को मिलता है करके, ये लोग झूठ बोलता करके बोलेगा, हमको वो सब नहीं चाहिए। ठीक है भाई, मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर करके हम बोलता है, क्योंकि उसमें कुछ भी गलत नहीं है। क्योंकि भाई ब्रैनम क्यों ऐसा किया करके वो भी बोलता है, वही भाई ब्रैनम बोला द क्रिसमस इज द डॉगमा बोलता है, दैट इज द पागन वर्शिप बोला, बहुत कुछ उसके बारे में हार्ड प्रचार किया, बहुत कुछ बोला भाई ब्रैनम ने, मगर वही भाई ब्रैनम वही क्रिसमस के लिए अपना मेरी क्रिसमस करके बोल के सबको हाथ मिलाया। प्रेज बी द, क्यों करके आप प्रश्न पूछेगा, और क्रिसमस का केक भी खाया, सब कुछ दिया, क्यों मैं बताता है, क्यों बोलेगा तो मेरा प्यारा भाई और बहनों, सब डिनोमिनेशन के लोग, वो लोग अच्छे अच्छे लोग हैं, वो लोग आप ऐसा बोलने से वो लोग को दुख लगता है, वो लोग आपको एक अलग तरीके का आदमी करके सोचता है, वो लोग आपको एक सेपरेशन तरीके से, एक ऐसा मत करना, वो लोग उन लोगों को जैसे आपको देखना चाहिए, क्योंकि मेरे वो लोग और हमको अलग करने वाला, अलग दिखाने वाला एक ही चीज है। आप क्रिसमस में ये करके बोल के दुनिया में गलत गलत काम करते हो, व्यभिचार करते हो, पैसा के पीछे भागते हो, उसको वो लोग नहीं देखते, फिर क्रिसमस बोलने में क्या गलत हो गया? हाँ मेरे प्यारे मेरे बहनों सुनो, इधर आपको और मेरे को अलग दिखने के लिए एक ही चीज चाहिए, आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, का बात इस बार टोकन मेरे को आपको उन लोगों से अलग दिखाएगा। तब तक के लिए हम ये सब ऐसे करना चाहिए, मगर हम नहीं मनाता है, हम क्रिसमस के लिए अलग क्रिसमस करके नहीं मनाते हैं हम लोग, वैसे हम क्रिसमस ट्री को नहीं रखता है और स्टार को और लाइट को नहीं बांधता है घर में, ये सब हम करता है, मगर बाहर लोगों के लिए हम लोग, मेरा प्यारा भाई और बहनों, ये भाई ब्रैनम जो किया, क्योंकि भाई ब्रैनम मेरा प्यारा भाई और बहनों डिनोमिनेशन का बीच में आया हुआ एक नबी है, और डिनोमिनेशन का बीच में से हमको छुड़ाने के लिए आया हुआ नबी है, वैसा करना गलत नहीं है, सही है वो। कैन यू से आमेन? क्योंकि परमेश्वर ने उसको बाइबल का अंदर का पूरा वेद को खोल दिया। Yes, praise be the name of the Lord. और एक बात को बोलेगा तो आप लोग मेरे को भगाएगा, बोलो क्या नहीं बोलो बोलो क्या नहीं बोलो Yes, praise be the name of the Lord. मैं YouTube पे पूछ रहा है, why brother Branham greeted the people Christmas, मेरी क्रिसमस क्यों? एक बात बोलता है, भाई ब्रैनम पहला आगमन का पहला आगमन प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म पाया, बराबर सुनो, मरियम का गर्भ में जन्म पाया, और उसके बाद दूसरा आगमन तक का एक नबी है, इसलिए वो क्रिसमस को पीछे दिखाना चाहिए, पीछे पहला वो पीछे दिखाना चाहिए, देखो क्रिसमस, देखो यीशु मसीह आया खून बहाया करके। हाँ प्रेज़ बी द नेम ऑफ़, कितना लोग समझ गए मालूम नहीं है वो यस। और अपोस्तल लोगों का डॉक्ट्रिन को हमको बताया, और यीशु मसीह को दिखाना चाहिए, उसका जन्म को बोलना चाहिए, मेरी क्रिसमस को बोलना चाहिए, मगर मोरा खुलासा का बाद में भी, उसका पहले भी, मेरा प्यारा भाई बहनों भाई ब्रैनम ने जबरदस्त प्रचार किया, क्रिसमस का विरुद्ध प्रचार किया, और ईस्टर का मैसेज दिया, वो सच्चा ईस्टर जो है प्रभु अभी उठाए, वो हमारे बीच में करके बोला। भाई ब्रैनम ये सब क्यों किया मालूम है? वो डिनोमिनेशन का आखिरी सभा काल का एक नबी होते हुए ये बोलना जरूरी है वो, क्योंकि वो सभा काल का नबी था। Can you say amen? और सभा काल जो है, पूरा सभा काल का लोग क्रिसमस को मना रहा था, क्रिसमस को सेलिब्रेशन कर रहा था, क्रिसमस के लिए होता भाई ब्रैनम, इसलिए अपना मुंह से मेरी क्रिसमस करके बोल के सबके साथ अपने आप को जोड़ दिया। How many say amen? मगर भाई ब्रैनम ब्राइड एज में नहीं आया, भाई ब्रैनम के बाद मोरा खुलासा के बाद ब्राइड एज खुलासा हो गया। अरे भाई ब्राइड एज में हम लोग
छोटा बच्चा मसीह को नहीं देखता है, बेबी जीसस को नहीं देखते, हालांकि वो बेबी था, फेल आगमन में वो बेबी बन के आया मेरे को और आपको खून देने के लिए, बेबी बन के आया यीशु मसीह। और बेबी को इवन सिमेयन देख के बोला, मेरा आंखे बच्चे को देखा, मेरा आंखे 8 दिन का वो बेबी को देख के सेटिस्फैक्शन हो गया, वो यस सेटिस्फैक्शन हो गया। मगर हम ऐसे नहीं है, हम बेबी को नहीं देखा, हम क्राइस्ट को देखा, मसीह को देखा। वो अभी बेबी बन के नहीं आया, हमारा दूल्हा बन के आ गया। हाउ मेनी से मैन, हाउ मेनी आर यू एग्री विद मी? हाँ, पत्थर मार के भगाते तो भगाओ मेरे को, ये असली बातों को मैं बोलता है। इसलिए ये ब्राइड एज में कौन सा भी क्रिसमस नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैस हमारे लिए नया साल भी नहीं है, मगर हम मना हम करता है, वैस हम दुनिया में रहता है। मगर मैं बोलना चाहता है ये सब क्योंकि बाइब्रम जो किया करके आप ये मत हो जाओ, क्योंकि उसका बुद्धि उसका ज्ञान सबसे अच्छा है। वैस परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दे, माय लॉर्ड। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते, वैसे हम दुल्हन के युग में आ गए, भाई ब्रैनम कलीसिया का युग का आखिरी कलीसिया, लौदोशिया कलीसिया का युग का संदेश का दूत है। पूरा कलीसिया का युग में क्रिसमस को मनाया, वैसे पूरा कलीसिया का युग में क्रिसमस था। यीशु मसीह ये नाइसिया काउंसिल में ये क्या बोलता है, ये पहला पेंटेकोस्ट गिरने के बाद वो लोग क्रिसमस मनाने की शुरू की, फिर विलियम ब्रैनम आने के बाद वही भाषा से उन्होंने सबको ग्रीट किया। मेरी मगर विलियम ब्रैनम को मालूम था क्रिसमस एक पागन वर्शिपिंग है करके, पागन है, पागन का जो आराधना है क्रिसमस जो है पागन है। वो यस सचमुच में विलियम ब्रैनम उसके बारे में पूरा खुलासा करके बताया, क्योंकि वो चर्च एजस में चर्च एजस का आखिरी नबी होने के नाते वो सबको मेरी क्रिसमस करके बोलना मांगता था। और हम ब्राइड में होएगा तो भी हम भी विलियम ब्रैनम का तरीका लोगों को ऐसे बताता है, क्योंकि वो लोग अभी भी कलीसिया का युग में जी रहा है। हाँ, मैं एक बात बोलते, कलीसिया का युग में सब लोग ब्राइड का युग में नहीं आया, सब लोग ब्राइड का युग में नहीं जी रहा है, बहुत लोग कलीसिया का युग में जी रहा है। इसलिए कलीसिया का युग में जीने से हम उनको दुख नहीं देना, हम हैप्पी क्रिसमस मेरी क्रिसमस बोलना कोई बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, प्रभु उसके लिए ये नहीं करता है। वैस आप और मेरे को क्रिसमस नहीं करता है करके बोल के उनसे अलग मत कर दो, ये सब गलत बात है। और हम लोग को क्रिसमस नहीं है, हम लोग को न्यू ईयर नहीं है, हम लोग को कुछ भी नहीं है करके बोल के अलग मत दिखाना, सबके साथ आपको मिलाते हुए दिखाना वही अच्छा है, क्योंकि आप प्राणों को जीत सकता है। अलग करने वाला चीज एक दिन आएगा, वो जो है आउटपोरिंग ऑफ द होली स्पिरिट, तभी वो लोग खुद आपको अलग कर जैसे दिखाई दे, क्योंकि सामर्थ्य आपके अंदर आ गया, वो सामर्थ्य से आप रहता है, तब आप और उनको अलग अलगपन को दिखाता है। इसलिए मेरे फैर में आखिर में क्लोज करने के पहले में बोलता है, जो बातों को हमने सुना और जो बातों को हमने देखा विलियम ब्रैनम तक नबी तक, एक बात सुनो, विलियम ब्रैनम नबी तक कोई भी नहीं देखा और कोई भी नहीं सुना। हाउ मेनी से आमेन? विलियम ब्रैनम नबी तक, अभी विलियम ब्रैनम के बाद नबी नहीं है, जेंटाइल्स के लिए नहीं है। वैस और इसराइल में आने वाला मूसा और एलेजर को यही जो चीजों को हम सुनाता है और हम दिखाता है, और वो लोग क्या दिखेगा, मेसिया को दिखेगा, मेसिया हमारे बीच में से वो लोग के पास जाएगा। कैन यू से आमेन? और इसलिए मेरे प्यार भाई बहनों, विलियम ब्रैनम तक का नबी लोग, ये स्क्रिप्चर जबरदस्त स्क्रिप्चर है, विलियम ब्रैनम तक का नबी लोग इनको नहीं सुना ना इनको नहीं देखा, और हम लोग भाग्यवान हैं। जो लोग अभी ऑनलाइन में, थोड़े लोग ऑनलाइन में सुनता है, और जो लोग यूट्यूब में देखता है, आप लोग भाग्यवान लोग हैं, क्योंकि इन बातों को हमने सुना, हमने पहचान लिया, हमने देखा और प्रभु का आशीष को भी पाए, क्योंकि यीशु मसीह बोला, ब्लेस्ड आर दे हूज आईज हैव सीन व्हाट यू सी एंड व्हाट यू हर्ड। ऑलराइट, आइए आप लोग उठिए, हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, शानदार मैसेज को आपने हम आज के लिए आपने दिया, होने दे आपका महिमा प्रभु, आपका गौरव सब चीजों से, आपका महिमा और आपका गौरव होने दे।
परमेश्वर आपने इन बातों को बताने के लिए मेरे को ताकत दिया और मेरे को उठाया। परमेश्वर धन्यवाद दे। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल करना। आमीन। भाई मिनिन अभी गाना गाएगा।